गुड मॉर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन है, द एसेज ऑफ बैकन आर ग्रेट आइडियाज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। ये जो बैकन के, फ्रांसिस बैकन के एसेज होते हैं, ये एक प्रैक्टिकल विजडम के ग्रेट आइडियाज हैं, इस पर डिस्कस करो। तो देखिए, बैकन वाज अ यूटिलिटेरियन, बैकन एक यूटिलिटेरियन थे। हिज एसेज आर फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, और इनके एसेज जो हैं प्रैक्टिकल विजडम के ग्रेट आइडियाज से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, थ्राउट द एसे ऑफ स्टडीज, एग्जाम्पल में जैसे ऑफ स्टडीज की बात किया जाए, बैकन शोज हिज प्रैक्टिकल विजडम एंड कॉम्प्रीहेंसिवनेस। बैकन जो हैं प्रैक्टिकल विजडम को और कॉम्प्रीहेंसिवनेस को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ऑफ स्टडीज एसे के थ्रू करते हैं। बैकन शोज हिज प्रैक्टिकल विजडम एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। जनरली पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू ईदर टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ, जनरली लोग या तो टेक्निकल नॉलेज पर फोकस करते हैं या तो जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाली नॉलेज पर फोकस करते हैं। बट बैकन रिकॉग्नाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, लेकिन बैकन जो है दोनों की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड एडवाइसेस टू कंसल्ट एन एक्सपीरियंस्ड मैन इफ द वर्क इज एट अ स्मॉल स्केल एंड टेक्निकली ट्रेंड और लर्न्ड मैन फॉर मैनेजिंग अ वर्क एट अ लार्ज स्केल। ये कह रहे हैं, ये दोनों को करते हैं, और एडवाइसेस टू कंसल्ट एन एक्सपीरियंस्ड मैन, और एक एक्सपीरियंस मैन से कंसल्ट करते हुए एडवाइस लेते हैं। इफ़ द वर्क इज एट स्मॉल स्केल, अगर काम एक छोटे लेवल पर हो, एंड टेक्निकली ट्रेंड और लर्न्ड मैन फॉर मैनेजिंग अ वर्क एट अ लार्ज स्केल, और उस अगर काम बड़े लेवल पर हो तो उस काम को वही पर्सन कर सकता है जो कि टेक्निकली एक ट्रेंड हो, है ना, ट्रेनर हो, या जो है लर्न्ड मैन हो कि उस काम के को कैसे मैनेज करते हैं, तो उसी के बस की बात है। जनरली पीपल थिंक, जनरली लोग सोचते हैं डैट रीडिंग इज ओनली, कि रीडिंग जो है किसी चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है। बट बैकन एडवाइसेस टू गिव इम्पोर्टेंस टू कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग आल्सो, लेकिन बैकन जो हैं लर्निंग के साथ में राइटिंग और कॉन्फ्रेंस का भी एग्जांपल देते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। ही आल्सो सोज नाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स अफेक्ट आवर माइंड आल्सो, वो ये भी बताते हैं कि सब्जेक्ट मैटर किस तरह से हमारे माइंड पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चौसर्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इन द प्रोलॉग। तो यहाँ क्या है, प्रोलॉग में चौसर के आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन पर शॉर्ट नोट लिखिए। इन द प्रोलॉग चौसर पिक्स अप इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। देखिए, प्रोलॉग द जनरल प्रोलॉग टू द कंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर ने लिखा, इसमें ये सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रेटा से जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आते हैं उनके बारे में बताते हैं। हिज ऑब्जेक्ट इज टू पोर्ट्री टाइप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है पोर्ट्री टाइप होता है, और एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को ये उसके बारे में पूरा बताते हैं। ही पिक्स अप पर्सन्स फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के हर सेक्शन से इंसान को जूझ किए हैं, मतलब इनके प्रोलॉग में सोसाइटी के हर सेक्शन से लोग आए हुए हैं। ही पिक्स द क्लास ऑफ नाइट्स हिज सन, वो जैसे एक नाइट वाली क्लास की कैटेगरी को उठाते हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है। हिज सन हु रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ नाइटहुड एज वेल एज गैलेंट्री ऑफ द 14th century इंग्लैंड, उनका बेटा जिनका नाम है नाइट, जो कि नाइटहुड की क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में 14th century में जो इंग्लैंड में क्या गैलेंट्री रही उसको भी शो करता है। ही पिक्स अप द क्लास ऑफ रिलीजियस पीपल सच एज नन, अब वो रिलीजियस पीपल में कौन कौन किसको रखे हैं, तो जैसे नन है, प्रायोरेस है, वाइफ ऑफ बाथ है, पार्डनर है, फ्रायर है, एंड समनर। तो रिलीजियस कैटेगरी
से कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, नन, प्रायोरेस, द वाइफ ऑफ बाथ, द पार्डनर, प्रायर और समनर आते हैं। चौसर पिक्स अप पर्संस फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये करें, चौसर जो है सोसाइटी के अदर सेक्शन से भी इंडिविजुअल्स को उठाते हैं। हु आर मिलर, जैसे मिलर हो गए, डायर हो गए, हर्बर्डेसर और बाकी अदर क्लास के लोगों को भी उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द करेक्टर ऑफ मेफिस्टोफेलिस, मतलब मेफिस्टोफेलिस करेक्टर के बारे में बताना है। तो इसे थोड़ा स्पीड में चलते हैं। इन द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, मेफिस्टोफेलिस इज अ सर्वेंट टू अ ग्रेट लूसीफर एज ही हिमसेल्फ टेल्स फॉस्टस। लूसीफर इज द एग्रीगेंट एंड कमांडर ऑफ ऑल स्पिरिट्स। मेफिस्टोफेलिस इज वन ऑफ दोज अनहैप्पी स्पिरिट्स डेट वर थ्रोन विद लूसीफर इन टू हेल बाई गॉड वेन दे रोज अगेंस्ट गॉड। नाउ ही मेफिस्टोफेलिस लिव्स इन हेल बींग डैम्ड विद लूसीफर टू लिव देयर और ever. By nature he is a spirit gifted with a number of magic powers. He can appear and disappear any moment he likes. He can change any material thing he likes to possess. Mephistopheles is a conventional character of religious drama, but it is possible to look upon him as Faustus devilism, ambition for unlimited knowledge and also the unfettered power of his poetic imagination, for it is he who takes Faustus all over the world and produces whatever Faustus likes. It is who produces Helen before him as he were Faustus power of hallucinations. Next question hai, discuss Marlowe as a dramatist. मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस लिखा, इसको एज अ ड्रामेटिस्ट डिस्कस करना है। मार्लोज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा वाज ही अपहेल्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा टू अ हायर लेवल। देखिए, मार्लो का जो ग्रेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश ड्रामा में, तो वो है कि इन्होंने सब्जेक्ट मैटर को, ड्रामा के सब्जेक्ट मैटर को एक हायर लेवल तक पहुंचाया। ही प्रोवाइडेड बिग हीरोइक सब्जेक्ट्स डेट अपील्ड टू द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। ही ड्रामेज्ड द हिस्ट्री ऑफ टैम्बुलेन, अ वर्ल्ड कॉन्क्वेर और एंड डॉक्टर फॉस्टस अ नेक्रोमेंसर इन द परस्यूट ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। मार्लो गेव लाइफ एंड रियलिटी टू हिज करेक्टर्स। इन द हैंड्स ऑफ मार्लो करेक्टर्स वर नो लॉन्ग पपेट्स पुल्ड बाई स्ट्रिंग्स बट लिविंग, लविंग एंड ब्रीदिंग रियालिटीज। हिज करेक्टर्स हैव बिगोर एंड फायर। टैम्बरलेन एंड फॉस्टस आर फुल ऑफ एनर्जी एंड जस्ट फॉर लाइफ। मार्लो मेड इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रेजिडी एंड मॉडिफाइड इट इन हिज ब्रीफ प्रोलॉग ऑफ टैम्बरलेन। मार्लो हिंट्स एट द नेचर ऑफ हिज ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्रॉम गिगिंग बैंस ऑफ राइमिंग मदर बिड्स एंड सच कंसेट्स एज क्लाउनेज कीप्स इन प्ले वी विल लेड यू टू स्टेटलेट ऑफ वार वेर यू सेल हेयर द स्काइथिन टैम्बरलेन।